हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल सुनीतास क्रिएटिव वर्ल्ड में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ कि आप बर्थडे डेकोरेशंस के वक्त में बलून को वॉल पे स्टिक करने के लिए आप किस टेप का इस्तेमाल करना चाहिए और कौन सी बेस्ट टेप है। सो आई होप आप सभी को ये वीडियो हेल्पफुल होगी। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको ट्रांसपेरेंट टेप के बारे में बताना चाहती हूँ। ये ट्रांसपेरेंट टेप है और ये मीडियम साइज़ में ब्रॉड है और जिसका इस्तेमाल आप बलून्स को स्टिक करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो इस तरह से आपको इसे कट करना है और इसे इस तरह से फोल्ड कर देना है जिसकी हेल्प से आप इसे आसानी से वॉल पर स्टिक कर सकते हैं। सो अब ये दोनों साइड में स्टिक हो जाएगा, एक साइड में आपका बलून और एक साइड में वॉल। सो अब मैं दूसरे टेप के बारे में बताना चाहती हूँ कि ये है डबल साइडेड टेप और ये दोनों साइड में आसानी से स्टिक हो सकता है। सो इसके लिए आपको सिर्फ इसे कट करना है और बलून के ऊपर स्टिक कर देना है और इसके ऊपर जिसे आपको रिमूव करना होता है और इसे इस तरह से बलून के ऊपर स्टिक कर देना है और इसे अब आप आसानी से वॉल पे स्टिक कर सकते हैं। सो अब मैं यूज़ करने वाली हूँ ये मास्किंग टेप जो आप पेंटिंग करने के वक्त भी यूज़ करते हैं। सो इसमें भी आपको मीडियम से ब्रॉड तक सारी साइजेस मिल जाती हैं। इसका भी इस्तेमाल आप वॉल पे स्टिक करने के लिए बलून को कर सकते हैं। सो इसे भी इस तरह से फोल्ड कर सकते हैं और इसे आपको बलून्स के ऊपर स्टिक करना है और जिससे आप आसानी से इसे वॉल पे स्टिक कर सकते हैं। सो अब ये दोनों साइड में स्टिक हो गया, एक साइड में बलून्स के ऊपर और एक साइड में वॉल के ऊपर। सो अब मैं यूज़ करने वाली हूँ ये टिश्यू डबल साइडेड टेप एंड इसका इस्तेमाल आप बलून को स्टिक करने के लिए कर सकते हैं और इसे आपको इस तरह से निकाल के कट कर लेना है और उसके बाद में इसे बलून्स के ऊपर स्टिक कर लेना है। सो जब स्टिक कर लोगे उसके बाद में इसके ऊपर के पेपर को इस तरह से रिमूव कर देना है। सो अब दूसरी साइड भी आप वॉल पे स्टिक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये सारे टेप के लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप उसके थ्रू भी ऑर्डर कर सकते हैं। सो अब मैं यूज़ करने वाली हूँ ये ग्लू ड्रॉप टेप जो कि इस तरह से पैकेट में मिलता है या फिर आप इसका रोल भी परचेस कर सकते हैं। इसके अंदर काफ़ी सारे डॉट्स होते हैं, अराउंड 30-40 पीसेस, जिसे आपको इस तरह से स्क्वायर में कट कर लेना है और उसके बाद में इसके ऊपर एक पेपर होता है जिसे आपको रिमूव करना होता है और उसके बाद में इसे आपको इस तरह से बलून के जिस भी साइड को आपको वॉल पे स्टिक करना है उसके ऊपर इस तरह से प्रेस करके पेपर को रिमूव कर देना है। सो अब मैंने काफ़ी सारे अराउंड 4-5 टेप इस पर स्टिक कर लिया है और अब मैं वन बाय वन इसे वॉल पे स्टिक करके दिखाने वाली हूँ। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे मास्किंग टेप को वॉल पे स्टिक करके दिखाऊंगी। सो इसके पीछे मैंने मास्किंग टेप लगाया है और इसे वॉल पे स्टिक कर दिया और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल घिर नहीं रहा है एंड प्रॉपर स्टिक हो गया है। और अब मैंने रिमूव करके भी दिखा दिया है कि इसके पीछे कोई भी दाग नहीं है, आपकी वॉल ख़राब नहीं हो रही है। अब मैं यूज़ करे हुए ट्रांसपेरेंट टेप जहाँ पे मैंने ट्रांसपेरेंट टेप को डबल करके लगाया था और ये भी काफ़ी अच्छे से स्टिक हो गया है और बिल्कुल भी घिर नहीं रहा है एंड उसे निकालने के बाद भी आप देख सकते हैं कि बिल्कुल दाग नहीं है। और अब मैं स्टिक करने जा रही हूँ ये टिश्यू पेपर जो डबल साइडेड टेप है उससे, और कंपेरेटिव अदर टेप इसमें थोड़ा सा गम कम है। सो थोड़ा सा मुझे डाउट है इसमें, बट ये भी अच्छे से स्टिक हो जाता है एंड बिल्कुल डार्क नहीं रहता है। फ्रेंड्स, इस टेप का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं बलून्स को स्टिक करने के लिए। और अब मैं दिखाने वाली हूँ ग्लू डॉट्स टेप का और इसे मैंने टॉप पे लगाया था और जिसका इस्तेमाल आप सीलिंग को स्टिक करने के लिए भी लगा सकते हैं। बलून जब भी आपको सीलिंग पे लगाना होगा या फिर वॉल पे स्टिक करने के लिए भी आप इन डॉट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट इसमें काफ़ी सारा गम है, बट आप जब भी रिमूव करेंगे तो भी आपकी वॉल ख़राब नहीं होगी। फ्रेंड्स, अब मैं स्टिक करने वाली हूँ ये डबल साइडेड टेप को और इसकी हेल्प से भी आप इसे वॉल पे स्टिक कर सकते हैं बहुत ही आसानी से और आप देख सकते हैं कि ये भी बहुत ही अच्छे से स्टिक हो जाता है एंड रिमूव भी बहुत इजीली हो जाता है। बट फिर भी थोड़ा सा डाउट है कि इसमें गम बहुत ज़्यादा होता है जिससे आपकी वॉल ख़राब हो सकती है। सो ट्राई टू अवॉइड डबल साइडेड टेप एंड बाकी आप सारे टेप का इस्तेमाल कर सकते हैं, इवन ये टिश्यू पेपर टेप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं एंड मास्किंग टेप, ट्रांसपेरेंट टेप और ग्लू डॉट्स टेप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो आई होप आप सभी को ये सारे टेप्स के बारे में पता चल गया होगा और आपके लिए हेल्पफुल हो ये वीडियो। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। फ्रेंड्स, ये सारे टेप्स की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप उसके थ्रू भी चेक कर सकते हैं। सो बाय एंड टेक केयर। बाय।